हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक फार्माकोस। माय नेम इज अभिषेक सुमन ऑन द सीरीज ऑफ मेडिकेशन रिव्यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक एंटी एलर्जिक ड्रग का नाम, जिसका नाम है मोंटिना एल, जो कि बहुत सारे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग मोंटिना एल के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके हिस्ट्री पर दी होती है, उसके बाद केमिकल कंस्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट के साथ साथ हम लोग उसका प्रिकॉशन भी देखेंगे कि कब हमें उसका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में बने रहे। सबसे पहले नाम उसका क्या है, मोंटिना एल। तो मोंटिना एल नाम इसका क्यों पड़ा, तो इसमें दो केमिकल कंस्टेंट है जिसके वजह इसका नाम डिसाइड हुआ है। तो मोंटिना मीन्स मोंटिनो ल्यूकास्ट को रिप्रेजेंट करता है और एल रिप्रेजेंट करता है लिवोसिट्रिजिन का। ठीक है, इसी दोनों को नाम को ही ऐड करके मोंटिना एल नाम इसको दिया गया है। इसका हम लोग केमिकल कंस्टेंट देखते हैं, तो सबसे मेन कंस्टेंट दो ही हैं, एक मोंटिल्यूकास्ट है और दूसरा मोंटिल्यूकास्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड आईपी। आईपी मींस इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका हम लोग केमिकल कंस्टेंट का हम लोग मैकेनिज्म में एक्शन देखते हैं। तो मोंटिल्यूकास्ट एक एलटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो एलटी रिसेप्टर क्या होता है, एलटी मतलब होता है ल्यूकोट्राइन, मीन्स जो ल्यूकोट्राइन हमारे बॉडी में रिलीज होता है उसके रिसेप्टर पर बाइंड करने से पहले उसको ब्लॉक कर देता है। ये ड्रग का मोंटिल्यूकास्ट का वही काम है। अगर एलटी रिसेप्टर पे ल्यूकोट्राइन बाइंड हो जाता तो क्या होता है, अगर उस पर बाइंड हो जाता तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होता है, हमारा जो ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, उसका जो वाल्व है, एयर वेज है, उस पर इन्फ्लामेशन काउज कर देता है। तो ल्यूकोट्राइन क्या करता है, हमारे ब्रोंकस के ब्रोंक्यूल्स के जो एयर वेज है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन काउज करता है, कैसे, इन्फ्लामेशन करके, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए मोंटिल्यूकास्ट ड्रग है जो कि एलटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो इन्फ्लामेशन या एलटी को एलटी रिसेप्टर पे बाइंडिंग करने देता है ल्यूकोट्राइन को, जिसके वजह से हमें इन्फ्लामेशन या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। ओके, नाउ लिवोसिट्रिजिन एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है। हिस्टामिन जब हमारे बॉडी में रिलीज होता है, जब भी कोई हमारे बॉडी में एंटीजन मतलब बाहर का जो भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, डस्ट हो सकता है, सैंड हो सकता है, या बहुत तरह का एंटीजन हो सकता है, किसी को किसी चीज़ से भी एलर्जी होती है, तो उसके लिए क्या हो गया, एंटीजन हो गया। जब भी हमारे बॉडी में वो सब हमारे बॉडी में आता है तो एज ए एंटीजन तरफ, तो हमें बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होती है और हिस्टामिन रिलीज होने के बाद हमें वेरियस टाइप ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक स्नीजिंग, कफिंग, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ देते हैं। तो लिवोसिट्रिजिन क्या करता है, जब ज़्यादा हो जाता है हिस्टामिन, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि आप कंटिन्यू छींक रहे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं जो लिवोसिट्रिजिन है, जो हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर H1 को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये हिस्टामिन लिवोसिट्रिजिन सेकेंड जेनरेशन एंटी हिस्टामिन ड्रग में आती है। अब भाई सेकेंड जेनरेशन फर्स्ट जेनरेशन क्या अंतर है, जितना भी फर्स्ट जेनरेशन ड्रग है वो साथ में सेडेशन काउंट करती है। एंटी एलर्जिक है, एंटी हिस्टामिक ड्रग है, लेकिन साथ में वो सेडेशन काउंट करती है, लेकिन जो सेकेंड जेनरेशन ड्रग है वो सेडेशन काउंट नहीं करती है, कम करती है। पर किसी किसी को सिट्रिजिन लिवोसिट्रिजिन खाने से सेडेशन आती है, तो उसका वो एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ, जब भी हम रिलैक्स फील करते हैं, मतलब सर्दी खांसी जिस ज़्यादा ही होता है, वो दवाई खाने पर रिलैक्स फील करते हैं, तो रिलैक्स फील करने के बाद उसमें नींद आ जाती है। तो लोग कहते हैं कि हम लिवर सिट्रिजिन खाने से भी नींद आ गई, सिट्रिजिन खाने से भी नींद आ गई, पर ऐसा नहीं, वो ड्रॉसीनेस काउज करता है, उसका साइड इफेक्ट ड्रॉसीनेस है, तो ड्रॉसीनेस काउज करता है। ठीक है, तो ये लिवर सिट्रिजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, एंटी हिस्टामिन ड्रग H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ओके, नाउ मोंटिना एल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हो ही गया, अब इसका यूज देखते हैं। तो ये मेनली हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स जो भी सिम्टम्स है उसको हेल्प उसको ठीक करने में मदद करता है, लाइक रनिंग नोज, स्टफी नोज, ईचिंग, स्वेलिंग, वाटरी आइज, उसके बाद कंजेशन, स्टफनेस, ये सब डिफरेंट टाइप के जो भी हमारे ब्रोंकस, नोज या फिर लंग्स में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसमें हम लोग राहत देने का काम करता है ये मोंटिना एल। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मोंटिना एल, इसका मेनली कॉमन साइड इफेक्ट है नोसिया, वोमिटिंग, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राउसीनेस, स्लीपीनेस, ये सब मेनली इसका देखा गया है साइड इफेक्ट जो मोंटिना एल के बाद हम लोग का होता है। ओके, ये है मोंटिना एल जो कि एक एल्युमिनियम स्ट्रिप के पैकिंग में फॉर्म में आता है, जिसमें हमारे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मोंटिल्यूकास्ट 10 mg है और लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड IP
5 mg दिया हुआ है, ठीक है। इसका कलर सनसेट येलो ECF कलर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें साफ साफ यहाँ रेड कलर में मार्किंग दिया हुआ है कि ये ड्रग शेड्यूल H कैटेगरी ड्रग में आती है, मीन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये ड्रग नहीं मिलनी चाहिए। अगर अवेलेबल होती है फिर भी आप ना लें, क्योंकि डॉक्टर का कंसल्टेंस जरूरी है। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे आप अपने मन से ये ड्रग नहीं लें, ठीक है। और इसका जो कंपनी का जो कंपनी है इसका नाम है एरिस्टो ने ये मोंटीना एल कंपनी को, ये मोंटीना एल ड्रग को बनाया है, ठीक है। इसके बाद एक्सीपियंट इसमें दिया हुआ QS, क्या QS का मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, क्वांटिटी सफिशियंट होता है, मीन्स जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट के अलावा जो भी चीज़ इसमें ऐड होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीपियंट। और यहाँ QS का मतलब क्वांटिटी सफिशियंट, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से इसमें दिया जाता है, ओके। उसके बाद इसे पीछे में प्राइस दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है, बैच नंबर दिया हुआ है, ये सब मॉलिफिकेशन डेट दिया हुआ है। इसका प्राइस दिया हुआ है MRP 70 रुपया दिया हुआ है 10 टैबलेट का। तो डिफरेंट इसका जो भी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर दिया हुआ है, ठीक है ना। कुछ प्रिकॉशन मोंटीना एल के बारे में, जब भी आप ड्राइविंग करते हो या फिर कोई हैवी मशीनरी यूज करते हो, मतलब मीन्स कोई फैक्ट्री में कोई मशीन चला रहे हो हैवी, तो उस टाइम मोंटीना एल ना ले, क्योंकि ये आपको ड्रॉसिनेस काउस कर सकता है, तो आप सो सकते हो तो आपसे इसे कुछ एक्सीडेंट हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप मोंटीना एल खा रहे हो तो आप अल्कोहल ना ले या फिर कोई भी नशे की चीज़ उस टाइम ना ले, क्योंकि वो आपके स्लीपिनेस को डबल या ट्रिपल इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे उसके अकॉर्डिंग डोज लेना है। और ये ड्रग खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं और खाना नहीं खाएं तब भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही। ये सब थी मोंटीना एल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। एट लास्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, थैंक यू।